दोस्तों आज के इस वीडियो में टू वे स्विच के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये टू वे स्विच है, आप देख पा रहे हो, ये बोर्ड स्विच है, टू वे स्विच, जिसमें तीन कनेक्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ये देखो, वन वे स्विच में दो कनेक्टिंग पॉइंट रहते हैं, यानी आप एक से इन करो दूसरे से आउट करो, बट इसमें तीन रहते हैं। ये देखो, ऊपर और नीचे दोनों साइड पॉइंट बना हुआ है, यानी आप जब ऊपर करते हो या नीचे करते हो तो दोनों साइड कुछ ना कुछ स्विचिंग होता है। इसके लिए इस तरह के निशान बनाई जाती है इसमें। ये देखो, नीचे किए और ऊपर किए, दोनों साइड से ऑन ही है। तो दोस्तों, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर जैसे कि किसी के घर पर यदि एक नाइट बॉल एक वाइट बॉल लगाना है तो आप एक ही स्विच से कर सकते हो। रात के टाइम में आप स्विच को ऑफ कर देना और नाइट बॉल ऑन हो जाएगी, और दिन भर जब स्विच नीचे की पोजीशन में रहेगा तो आपका वो वाइट बॉल जलता रहेगा। और आइए जानते हैं इसका कनेक्टिंग पॉइंट कैसे काम करते हैं एक मल्टीमीटर के जरिए। मल्टीमीटर रिपेयरिंग पे भी हमने वीडियो डाला है दोस्तों, और इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो उसका ही वीडियो हमारे चैनल पर है, तो अगर नहीं देखा है भाई तो देख लेना। और सबसे पहले मीटर चेक करते हैं, तो मीटर कनेक्टिंग शो कर रहा है कंटिन्यूटी। और ये देखो, बीच वाले में आपको करंट देना है और दोनों साइड से करंट लेना है। ये देखो, जब मैं स्विचिंग करूँगा, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, मैं आपको क्लियरली दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, इधर साइड जब स्विच देते हैं तो ये वाला कनेक्टिंग पॉइंट से जुड़ जाता है, और जब नीचे करते हैं तो ये देखो, ये दोनों जुड़ जाता है, यानी बीच वाला और लेफ्ट साइड वाला, और बीच वाला और राइट साइड वाला, ऐसे ही होता है। तो आप एक साथ इसमें दो कनेक्शन कर सकते हो। और दोस्तों, इसका खासतौर से उपयोग सीढ़ी के कनेक्शन के लिए किया जाता है, तो उसका भी वीडियो मैं जल्द ही बना के आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखना। और ये देखो, इसका बीच में आपको करंट दे देना है, दोनों साइड से करंट लेना है, यानी दोनों साइड से आपको करंट का कनेक्शन करना है, बल्ब का करो या जो भी चीज़ का करो। ये देखो, सेम सारे जितने भी टू वे स्विच होते हैं सारे में सेम फंक्शन होता है, हर जगह पे ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा सर्किट डायग्राम यूज किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको सीढ़ी कनेक्शन का एक वीडियो बना के जल्द ही ला रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये देखो, इसमें भी तीन पॉइंट है, और दो नट तो कहीं जड़ गया है, बट ये स्विच अभी भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।